तुम बंदा लोग प्लान कहोगे करेगा। कि यार ये क्या था। हाँ वो देख ली देख वो देख ली उठो। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, जवाद की कसौटी में आपका खुश आमदीद। और आज की कसौटी होस्ट कर रहा हूँ मैं। सामने मेरे आज तीन फ़नकार हैं, जवाद साहब, असद और हसन। असद और हसन मेरा ख्याल है कसौटी में पहली दफ़ा नहीं, हसन हसन, हसन लाइव लाइव पहली दफ़ा। असद का मेरा मेरे चैनल पे डेब्यू है। यस, मेरे चैनल पे डेब्यू। काइंडली लाइक सब्सक्राइब शेयर बढ़ा दो। आज के हमारे मेहमान खसूसी राना हसन सैफ और असद इकबाल, और मैं और जवाद आपको नज़र आते रहते हैं। तो आपका टाइम शुरू होता है, आप 20 सवाल आपने पूछने हैं और 20 सवाल के अंदर आपने एक बंदा गेस करना है। लेकिन इससे जो पहले, मैंने इससे सोचा पहले वो भी बताएं जो अभी आप हमें ऑफ द कैमरा कह रहे थे, क्या कि अगर हमने गेस कर लिया तो रोटी तुम्हारी तरफ। अगर आज का मैंने इनको बोला है कि अगर आज तुमने गेस कर लिया जो बंदा मैंने सोचा हुआ है तो कल का खाना मेरी तरफ से। रोटी के लिए तो आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी हद तक भी जा। बिल्कुल चले जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी मेल यस मेल। अलाइव नो। सोच के कहा इसका मतलब वेंटिलेटर पे है। अच्छा जी, ताल्लुक एशिया से? ताल्लुक एशिया से। ताल्लुक अब साउथ एशिया पूछ रहा हूँ, डायरेक्ट पाकिस्तान पे हूँ। डायरेक्ट पाकिस्तान, डायरेक्ट पाकिस्तान। ताल्लुक पाकिस्तान से जी? पाकिस्तान यस यस। अच्छा जी, मेल मेल है, ताल्लुक पाकिस्तान से है और मर चुका है और डेथ हो चुकी है। ठीक हो गया, ठीक है जी। अच्छा अब पहले डेथ से नैरो डाउन कर लो। हाँ। नहीं मैं कहता हूँ कि जब कितने साल पहुंच जाए। नहीं मेरे पहले, ख्याल में पहले ये करूँ कि कितने अरसे पहले मरे हैं, मतलब डेथ। मैं ये कहता हूँ कि पहले हम उसको पकड़ लें, फील्ड पर फील्ड पकड़, फिर उसके बाद थोड़ा सा ठीक हो जाएगा ना। दो तीन बंदे जिस वक्त हो जाएंगे तो तब डेथ। उससे रिलेटेड हम कुछ भी पूछ सकते हैं ना। हाँ जी भैया। अच्छा, ताल्लुक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से? ताल्लुक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से नहीं है जवाब साहब। एंटरटेनमेंट नो। अब यहाँ पे फंसाएंगे, इसने पिछली दफा भी हमें बहुत फंसाया था। एंटरटेनमेंट नो। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? अगला एजुकेशन से और ट्रेनिंग से पूछो जी। ताल्लुक एजुकेशन या लाइफ कोचिंग से है? लाइफ कोचिंग तालीम या मोटिवेशन स्पीकिंग इस टाइप से है? हाँ, वजह शोहरत कुछ और भी है, मैंने तुम्हें एक जवाब अलग दे दिया। बी है। ठीक है जी, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं जी। ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर जो मर गए, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं, वो तो जिंदा सारे भी पता नहीं है, टीचर भी हैं और उनकी डेथ भी हो चुकी है। हाँ, और वजह शोहरत और भी है अदर देन मोटिवेशनल स्पीकिंग। वजह शोहरत की तरफ एंटरटेनमेंट तो नहीं है, डेफिनेटली एंटरटेनमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है जी। ठीक है। अच्छा अब हम अगर एक आ जाए इसके साथ, जो एक मिनट ना, इसके साथ जो दूसरी चीज लगती है ना वो लगती है अदब, लिटरेचर, फनून अदब। ठीक है। अच्छा जी, ताल्लुक अदब से है? अदब से भी है। अदब से भी है, मेन वजह शोहरत ये नहीं है लेकिन अदब से भी ताल्लुक है, ऐसा ही है जी। ठीक है जी, लिटरेचर से भी ताल्लुक है। यस ठीक है जी। आठ सवाल हो गए। अब नैरो डाउन करो एज से जरा। हाँ, अब पता चलेगा जी। 15 साल कर ले। हाँ ठीक है, करो। नहीं 2000 के बाद हुई है। हाँ ये कर लेते हैं, तो 2000 से पहले डेथ हुई है या 2000 के? हाँ जी, डेथ से सन 2000 के बाद हुई है। क्या होता है? क्या होता है? यस जी, 2000 के बाद हुई है। अब भजन पहले तो वैसे भी तुम दोनों खेल रहे हो लेकिन और जेन लगाओ। आफ्टर
पढ़े लिखे लोगों से मेरा तलग था। अच्छा अब मेरी बात सुना ना, अभी तक हम उनकी जो मेन वजह शोहरत पे नहीं पहुंचे, ठीक है, अदब से भी ताल्लुक है, मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, अब इसके साथ कैसी कौन सी ऐसी फील्ड है जो कि और जो है ना वो आ सकती है? पॉलिटिक्स नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है, लाइफ एक चीज जो आ सकती है वो आ सकती है प्यारे भाई के इस रिलीजियस शख्सियत भी हो सकती है। हाँ वो ठीक है, और रिलीजियस और उसके साथ अब तो सारी दी की तरफ जा रहा था, अब तो सारी दी की तरफ जा रहा है। नहीं इसरार अहमद साहब की डेथ, डॉक्टर इसरार अहमद की, मुझे बता क्या सोच रहे हैं डॉक्टर इसरार, डॉक्टर इसरार ये पूछ रहा है, मैं कसौटी खत्म कर दूं? नहीं नहीं नहीं, ओ लो लो क्या, तूने खुद पूछा, मैंने बता दिया, भाईचारा नहीं होता कसौटी, कसौटी में भाईचारा लड़ना नहीं। ओके ओके, तूने अगर पूछा मैंने छोड़ दिया, मुझे इसको भाई पानी पी सकते हैं, तू गए मैं पानी पिया तो मैं कसौटी खत्म कर रहा हूं। हां नहीं नहीं, पानी पी, तू पानी पी, ठंडा होता है, पहले टेंशन है कि पता नहीं क्या चुटकी, रिलीजियस पूछ, हां रिलीजियस पूछ, जित मजहबी शख्सियत थे जी? नहीं, 10 9 नहीं बेटे, 10। अच्छा वो 9 कह रहे थे, 11। सोशल वर्कर कुछ कौन है जानो, सारे दिन भी जली गए, लिटरेचर 2000 के बाद डेथ हुई है, पहले तो उससे सोचना शुरू करो थोड़ा सा, ताकि उससे अंदाजा हो जाएगा। खवातीन हजरात, आज की कसौटी में अगर ये पहुंच गए तो हम मान जाएंगे। जब उसने रिलीजन, हम पहली दफा दोनों इकट्ठे हुए और हार गए ना, तो इसने जब रिलीजियस पे नोक है मेरे, तो वहीं 14 तबक रोशन हो। देखो तुम दोनों इकट्ठे हुए हो आज, इसीलिए बंदा मैं ऐसा लाया हूँ कि तुम नहीं पहुंच पाओ, वरना तुम दोनों का इल्म अगर मिल गया, चलो तुमसे नहीं हुआ तो मैं तो किस खेत में, मोटिवेशनल स्पीकिंग है, लिटरेचर है, रिलीजियस से तल्लुक नहीं है। हाँ, सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना वो ये है यार, पहले तो ये देखो ना कि 2015 के बाद कौन से मोटिवेशनल स्पीकर, मतलब जिनका काम मोटिवेशनल स्पीकिंग भी हो, मेन जो मेन पे तो पहुंची मेजर नहीं है, मेन जो फील्ड है उस पर तो पहुंची नहीं है, हां उस पे नहीं है, और अपन साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, 10 साल जाएगा खेलने लग रहा है, वैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुश्किल है, अदब में, अब हमने अदब बहुत बड़ी फील्ड है ना इसमें, तो अदब है ही नहीं, अदब नहीं है, उसने कहा ये भी है लिटरेचर, लेकिन वो मेजर वजह शोहरत अदब नहीं है उनकी, होगी मुझे तो लगता है, और पीछे हो सकते थे, ठीक है, मेजर वजह लिटरेचर से भी, मैंने ये नहीं कहा था कि मेन वजह शोहरत नहीं है, मैंने कहा लिटरेचर से भी है, अच्छा खासा है, ये घुमा रहा है, हां मैं कि इसलिए मैं कह रहा हूं ये घुमा रहा है, बहुत टोपी बाज़ आदमी है, गजब टोपी बाज़, गजब टोपी बाज़। अच्छा ये आप पूछो कि उनके लिखी हुई किसी चीज पे कोई जो है प्रोडक्शन हुई है, मतलब कि कोई वीडियो ड्रामा सीरियल एपिसोड है, किधर जा रहा है इशफाक अहमद साहब की तरफ ही जा रहा हूं, पहले इशफाक अहमद साहब पे कौन सी हुई है, उनके ड्रामे बड़े हैं पता नहीं मुझे, लेकिन उनके मतलब है अशफाक अहमद साहब पे नहीं कोई ड्रामा मेरे ख्याल, उन पे नहीं, उनके उनकी तहरीर करदा जो है ना करेक्टर्स या किताबें, अच्छा जी इन्होंने, ठीक है, कोई यानी कि इनकी तसनीफ से या इनके किसी नावल से या इन्होंने कोई ड्रामा लिखा हो या ड्रामा से इनका कोई ताल्लुक, मतलब कोई चीज़ फिल्म आई, एक सेकंड ये क्वेश्चन नहीं है, इंटरटेनमेंट से ताल्लुक नहीं है, इंटरटेनमेंट से ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं है, अगर इंटरटेनमेंट से ताल्लुक होता तो वो राइटर होते, मैं आपने सवाल पूछ लिया मुझसे यहाँ पे होता है, एक सेकंड मैं क्वेश्चन करेक्ट कर रहा हूँ अपना, लेकिन अब इंटरटेनमेंट भी हम इंटरटेनमेंट से बिल्कुल ही ताल्लुक नहीं है ना, अगर फर्ज करो ड्रामा राइटर भी होते तो इंटरटेनमेंट से तो ताल्लुक होता भाई, वो ड्रामा राइटर उनका वो ड्रामा राइटर ना हुए, उन्होंने कुछ लिख के छोड़ दिया, उसके बाद कोई उसके राइट्स खरीद सकता है, हाँ, और दूसरी चीज की उनका जाविया प्रोग्राम आता होता था पीटीवी पे, बड़ा फेमस था जाविया प्रोग्राम, मतलब कि वो ये होता था ना कि ग्रोथ के लिए होता था उसको, इंटरटेनमेंट से वो एजुकेशन टेनमेंट होती थी, ये घुमा रहा है, हाँ मैं यही इसलिए, हाँ मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हमने तो हम मतलब उस तरह पूछेंगे हर चीज, वैसे 10 क्वेश्चंस पड़े हैं, अभी हम खेल सकते हैं, राम राम से खेलो खेलो खेल सकते हैं थोड़ा सा, खेलो खेलो, ये कि मैं कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी क्लियर हो जाए साहब का हाँ या ना क्लियर हो जाए फिर हम अगले की तरफ चले, पुष्पा झुकेगा नहीं, अच्छा जी चले पूछ लेते हैं, सबसे पहले ये पूछें कि किताबें
नावल किसी भी लिखी हुई चीज को फिल्माया गया, किसी भी लिखी हुई चीज को फिल्माया गया है? नो लगे बोलने अभी तक तो नहीं, अभी तक नहीं तो फिर नहीं, नहीं है फिर नहीं, फिर और हमें देखना पड़ेगा। यार जवाब, तेरे घर की चाय मुझे बड़ी पसंद है। अच्छा अच्छा जी, अब एक चीज पे आ रहे हैं। अच्छा अपन ने अभी सुबह भी स्पेसिफाई नहीं किया कि सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं। जब पता ही बंद कर वो उससे शॉर्ट आउट हो काफी कसौटी के अंदर एक माहिर आदमी आके बैठ चुके हैं। पहले आपके पास ऑप्शंस आएंगी ना, तो तब आप उन ऑप्शन से उनको जो है ना वो निकाल। मैं वही तो लाना चाह रहा हूँ, कोशिश तो कर। वो सही कह रहा है, अगर तुम सिंध में चले जाओगे तो सिंध में स्पेसिफिक लोग रह जाएंगे। मोटिवेशनल स्पीकर सही कह रहा है, बिल्कुल मैक्सिमम बिलावल। फिर उसके बाद हम इस तरफ भी पूछ सकते हैं कि यार ये तुम्हें ना कसौटी का एक टाइम देना चाहिए, तुम लोग बहुत सोच के सवाल कर रहे हो। हम आज हारना नहीं चाहते, हमने कल रोटी खानी है। कल रोटी कसौटी के बाद फौरन रोटी। हाँ क्या वही सोच रहा हूँ, अभी जेन में आया था निकल गया। एक दूसरी फील्ड की तरफ बात करें ना। हाँ वो ही मैं पूछने लगा था कि हाँ न्यूज एंकर वाली साइड पे भी कौन हो सकते हैं। मीडिया से डायरेक्ट ताल्लुक है ना, तो मीडिया का तो पूछे ही नहीं हमने, एंटरटेनमेंट। यार एंटरटेनमेंट में हर चीज थोड़ी आती होती है। एंटरटेनमेंट होता है मजा, जो सिर्फ ऐसी खुशी के लिए जो आपको एंटरटेन करे। हाँ जी न्यूज़ वाले तुम एंटरटेन करते हैं, बल्कि बोलते हैं तुम्हारे दिमाग पे गोलियां चलाते हैं वो। ये हमें कर रहा है कि आप एक सवाल जाया करें। नहीं होना, मैं कहता हूँ इसको लिटरेचर को अगर थोड़ा सा खोल लेना तो राइटर थे या शायर थे ये पूछ। हाँ राइटर की तरफ आ जाओ, राइटर पूछ लो, पता चल जाएगा। हाँ राइटर शायर है, एक ही सवाल करो सर। ये राइटर थे यानी कि मुसन्निफ थे आपका? वो बंदा कह रहा है राइटर और शायर एक ही सवाल, और आप पूछ रहे हो कि ये राइटर थे? नहीं नहीं, हम राइटर हो गए तो साथ में शायर ना हो गए ना, यानी कि ये राइटर थे? नहीं शायर भी तो राइटर होता है सर। वो शायर एक चीज तो राइटर का बता दे। और होता है जो मुसन्निफ होता है, शायर और मुसन्निफ में डिफरेंस होता है? नहीं जो शायरी करता है वो राइटिंग भी तो कर रहा होता है। यार राइटर का बता तू पहले, देख कहीं ना लिखेगा ना तो राइटर होगा, तू राइटर का बता। जी राइटर। ये चीज अच्छा जी। यार सुन रहा मुझे मंटू साहब, उनको 2000 से पहले, वो तो 950। ये वाला क्लिप काट देना। राइटिंग में अगर हम ये पूछ लें कि जी आया ये नॉवलिस्ट थे या नवनिगार थे? नहीं नहीं अब आजा, अदब में कौन कौन से थे जिनकी रिसेंट डेथ हुई है? 2010 पूछ ले। हाँ ये पूछ लो ना कि 10 के बाद थे। डेथ 2010 के बाद हुई है। दी खामोशी अच्छी नहीं होती राणा हमजा साहब। ये भी रूल रखना चाहिए, जो अगर होस्ट ज्यादा देर लगाएगा तो जनाजे की डेट भी बताएगा। 2000 से 2010 के दरमियान आ जाओ। बहुत मुश्किल। अच्छा जी, जो थे वासिफ अली वासिफ साहब, उनका क्या था? वासिफ अली वासिफ पहले रिलीजियस थे। वासिफ अली वासिफ वासिफ अली वासिफ बिल्कुल मोटिवेशनल स्पीकर थे, और उनके लिखे हुए राइटर भी हैं। से भी बिल्कुल ताल्लुक है, लेकिन हाँ बिल्कुल ठीक है, उनको कर लो। मैंने तुम्हें बताया कि वजह शोहरत की है ही नहीं, तुम फिर उसी के अंदर घूमे जा रहे हो। खवातीन हज़रात इनको मैंने हिंट दे दिया है। फिर ना घुमा रहा हूँ कहीं हमें वासिफ अली वासिफ से डेट। इतना बुरा नहीं है यार। हाँ इतना बुरा नहीं, या फिर मेजर वजह शोहरत की तरफ आओ ना। हाँ ये असल चीज़ है। क्या पूछें, पक्की मशहूर थी, क्या क्या पूछें कि तुम कितने सवाल पूछ। अच्छा एंटरटेनमेंट हमने पूछ लिए। हाँ जी उसके बाद सिर्फ लिटरेचर पूछे बस, राइटर भी तो पूछे। लिटरेचर है, राइटर है, रिलीजन पूछ ली। रिलीजियस ताल्लुक है, रिलीजियस नहीं है, कोई फिल्म नहीं बनी। मोटिवेशनल स्पीकिंग भी करते रहे, मतलब कितना यार छोटी सी बाउंड्री तुम्हारे दिमाग की, तुम उससे निकल ही नहीं रहे हो किसी और तरफ। अब फील्ड और हम फील्ड और पूछे ना, या तो इसके साथ कौन कौन से। मैंने तुम्हें साफ अल्फाज में बताया कि ये इनका वजह शोहरत नहीं थी, तुम लोग फिर वासिफ अली वासिफ और इन जैसे लोगों के जो मशहूर तरीन लोग हैं वहाँ जा रहे हो। उनकी वजह शोहरत ही ये थी। ठीक है हमने बहरहाल हमने सिर्फ एक ही जो है ना वो राइटिंग की हमने वो की है, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर हमारे पास पीछे क्या रह जाता है, स्पोर्ट्स रह जाता है। स्पोर्ट्स का बंदा मोटिवेशनल स्पीकर कैसे होगा?
एक नहीं हो सकता है ना, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। स्पोर्ट्स अभी फिलहाल बहुत पीछे है, स्पोर्ट्स को छोड़ दो, ठीक है। आर्मी, आर्मी फोर्सेस, फोर्सेस हाँ। हमीद गुल नहीं, लेकिन हमीद गुल की डेथ ये 2000 नहीं, वो नहीं हो सकते, वो नहीं हो सकते। मीडिया रिलीजियस नहीं, मीडिया से ताल्लुक नहीं है। चारे तेल बिजली बिजली मीडिया मीडिया का डायरेक्ट तो नहीं पूछा हमने, वो नहीं आना। क्वेश्चन जाया करना कर लो, वैसे भी तो अपन कहीं जा नहीं रहे, पूछ ही लो। वैसे भी तो अपन को समझ फोर्सेस नहीं, फोर्सेस भी नहीं होना, नहीं कोई और सोचो। एजुकेशन की फील्ड से ताल्लुक है, एजुकेशन टीचर पूछ। टीचर पूछ लो, लेकिन कोई है जेन में? मुश्ताक साहब है मेरे 12वीं के टीचर। मुश्ताक अहमद यूसुफी, यार क्या नहीं, लेकिन वो थे ही मुश्ताक अहमद यूसुफी तो थे ही राइटर। वही ना, तुम उधर से निकल नहीं पा रहे। कितनी फील्ड्स हैं, कितनी फील्ड्स हैं, ढेरों। तूने हमें यहाँ से डी ट्रैक किया ना, हमारे मैंने चाय में इतना चीनी डाल देनी इतनी सारी। फील्ड सोच, फील्ड सोच, फील्ड हमारे पास इससे रलती मिलती। एंटरटेनमेंट है, फोर्सेस हैं, मीडिया का ही जेन में आता है। जो बंदा इससे रिलेटेड और दूसरी जो रिलेटेड हो वो या तो मीडिया ही जेन में आता है। अखबारात, हाँ वही मीडिया सारा हो जाएगा उसमें कवर। सर मीडिया से ताल्लुक है जी? नो। अब फोन सोचो। नहीं, एक बंदा है भी कि नहीं? हाँ बाद में पता चले बंदा हाँ, कोई खूबी है ही नहीं होने चाहिए, ना मीडिया चाहिए ना रिलीजियस है ना जिंदा है। ये बड़ा मसला है कि 2000 से लेके 2010 तक जो है वो भी कोई जेन में नहीं आ रहा। डेथ बिटवीन 2000-2010। खामोशी तारी है, या तो थोड़ा सा डेथ के बारे में सवाल किए जाए कि किस तरह की थी, ताकि उससे अंदाजा हो थोड़ा सा कि बंदा कौन था। कोई जेन बनाएगा तो करेंगे ना, बजाय शोहरत की तरफ चलो ना। और सवाल हमारे हो गए 14। साइंसदान नहीं पूछा तुमने? साइंसदान नहीं है, फोर्सेस से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कब कहा साइंसदान नहीं है? फोर्सेस से कोई ताल्लुक नहीं है। बिग बिजनेस की तरफ आ रहे, बिग बिजनेस का भी ताल्लुक हो सकता है। सोशल वर्कर नहीं पूछा हमने? हाँ पूछ लें सोशल वर्कर। हाँ पूछ लें, एनजीओ सोशल वर्कर पूछो बस। हाँ सर सोशल वर्कर थे। 15वां सवाल। ओए क्या कुछ चीज लड़ गई। जिस वक्त इनकी डेथ हुई उस वक्त एज 50+ थी? पूछ लो। इनकी एज 50+ थी एट द टाइम ऑफ डेथ? वही की बात है ना, डेथ पे तो एज खत्म हो ही जानी है। नो, यंग पर्सन, मेल, यंग 2010। यार तू मुझे ना सोचने भी देता, बीच में हंस पड़ता। सोचता हुआ बहुत अजीब लग रहा ना सोच। थैंक यू, मुझे तस्वीर आ जाए, मैं वैसे पार्टिसिपेट तो कर ही नहीं रहा। एज बिलो 50 था ये, मतलब वही यंग एज ही होगी फिर। यंग एज में तो वो एक यही है कि फिर अब डेथ किस तरह होगी उससे फिर थोड़ा सा अंदाज़ा होगा, उस पे जाएं। एक्सीडेंटल डेथ नहीं? हाँ यही होता है, या एक्सीडेंटल है या नेचुरल है। नेचुरल है तो बीमारी से हुई होगी। है कौन सा इतना बड़ा मोटिवेशन स्पीकर है ना भाई, ये बंदा पकड़ो ना। 16 सवाल हो गए, ऊपर वाले 2 मिटा। विजय शोहरत की तरफ नहीं आ रहे हम। 16 सवाल हो गए और आपको वजह शोहरत नहीं, बंदा तो चलो पता लगा ही नहीं। वजह सबसे बड़ा हिंट हमारे पास अभी तक ये है कि वो मेल था। नहीं वजह शोहरत और लिंक क्या कर सकती है इन चीज़ों के साथ, इस तरह सोचो। पॉलिटिक्स का पूछा हमने, नहीं है पॉलिटिक्स से ताल्लुक, ठीक है पॉलिटिक्स से नहीं है तो रिलीजियस नहीं है, सोशल वर्कर नहीं है, सोशल वर्कर मीडिया नहीं है, हाँ मीडिया भी नहीं है, पॉलिटिकल भी नहीं है, एंटरटेनमेंट भी नहीं है, एंटरटेनमेंट बिजनेस रह जाता पीछे, एक बिजनेस रह जाता है, स्पोर्ट्स रह जाता है, हाँ ठीक है, फोर्सेस रह जाता है, बिजनेस स्पोर्ट्स, फोर्सेस का भी ताल्लुक कुछ ना कुछ हद तक पॉलिटिक्स से होता ही है। बिजनेस और स्पोर्ट्स है मेजर तो, और उसके अलावा एजुकेशन से तो हमने पहले ही पूछ लिया, एजुकेशन हो गया। काफ़ी स्लो चल रहे हो यार, और भी शूट करना है, जल्दी करो। 16 सवाल हो चुके हैं, मतलब कि तुमसे पूछा ही कुछ नहीं यार, असलों ही सवाल है ये ही नहीं तुम्हारे पास। सवाल तो बहुत हैं, पीछे करने के लिए नहीं है ना। पीछे रह जा रहे हैं करने के लिए नहीं है। करो करो यार, ये तो फिर वही पूछे भी। क्राइम,
नहीं क्राइम का बंदा मोटिवेशन स्पीकर कैसे क्यों नहीं हो सकता सवाल है मेरा क्राइम का बंदा ये हो तो सकता पहले वो क्रिमिनल हो बाद में ठीक हो गया या पहले ठीक हो बाद में क्रिमिनल हो गया ये दुनिया है यहाँ जो तुम सोचते हो वो होता है होस्ट के पास ना सिर्फ यस नो की ऑप्शन होनी चाहिए ये वैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन है इट इज माय फर्स्ट टाइम प्लीज एक्सक्यूज मी ब्लो 30 थे जी एज ब्लो 30 थी नो 30 से 30 से 40 30 से 50 के दरमियान आ गए हैं कैसे वैसे तुम अजीब लोग हो वैसे मुझे एज पे घूम ही जा रहे हैं कुछ चौथा सवाल तुमने एज पे ही कर लिया एज बता के तुम क्या कर लोगे मुझे बताओ तुम्हें उनकी नीश का ही नहीं पता तुम एज पूछ रहे हो यार मुझे वैसे बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है रोटी मारी गई है अपनी हमने 19 में भी बंदा पकड़ा था 19 पे बंदा पकड़ लिया था अभी तक तो भाई जना साथ नहीं लगा रहा है कि हम 19 पे पकड़ लेंगे ऐसे होता है ऐसे नहीं होता एमएम आर रहा ऐसे नहीं होता है ना नहीं होता नहीं होता 18-19 कोई ना कोई लीड मिल जाती ऑन कैमरा तू झूठ बोल रहा है लीड नहीं मिल रही ना कि किस लीड लगाई तो ये अच्छा कि किस तरफ हम जो है वो निकले इधर को निकलो असद की तरफ से एक सवाल भी नहीं आया मुझे अभी तक तेरा दिमाग नहीं चलता यार मैंने जो कहा मेरा जब तूने कहा ना रिलीजियस मेरा देर बंद हो गया था मेरा क्या तलक पढ़े लिखे लोगों के साथ और वो भी ऐसे किस्म के जिसकी कोई वजह शोहरत ही नहीं है सोचो सवाल पूछो सारे दिन बिजली ऐसा साहब इन एक्शन यार वैसे आप उसकी बात हार मान लेते और उसको कहेंगे वीडियो डिलीट कर दे फील्ड सोचो ना सिर्फ फील्ड सोचो कि बिजनेस रह गया स्पोर्ट्स रह गया और क्या रहता है हमारे पास बिजनेस स्पोर्ट्स लॉयर ठीक है आपकी लॉयर भी नहीं सोच सकते जो उस तरफ जाए हम फिर दूसरा जो मोटिवेशन स्पीकर ज्यादा से चिंता है पॉलिटिक्स से ताल्लुक है यार तुमने पॉलिटिक्स से सवाल ही नहीं पूछा मुझसे पूछ लिए पॉलिटिकल तूने नो कहा नो हम कैमरा रिवाइंड कर लेंगे जल्दी करो जल्दी कार्ड फुल हो यार कौन सी और असल में कोई समझ भी नहीं है ना रखे पहुंचा नहीं जा म्यूजिशियन का तुमने नहीं पूछा वो मीडिया से ताल्लुक होता है उनका किसका घोड़े म्यूजिशियन का ताल्लुक मीडिया से कब होता है एंटरटेनमेंट से होता है अब क्या एंटरटेनमेंट से भी नहीं होता गूंगों के लिए बुलाता होगा यार देख किसी शहर या गांव में कोई लोकल सिंगर हो सकता है ना वो मीडिया में थोड़ी आता है इसकी ना यार बी ट्रैक ना कर सिर्फ इसकी चेयर ही लेदर रखा करो दूसरा ट्रैक ना कर वीडियो कॉल किया करें इसको अपना सवाल पूछ के बात फोर्सेस ये बिजनेस का रख फोर्सेस यार मुझे पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि हम यहां से डी ट्रैक हुए हैं मुझे क्यों लग रहा है यहां से कहां से कौन से सवाल से वहीं से हुए है कोई जेन में मियां मंशा शाहिद खान शाहजान भी इनके वो भी जिंदा है अच्छा अच्छा एक थे पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन यहाँ से डेट ट्रैक हुए हाँ असद सोच ले यार कुछ बैंकिंग में बड़े लोग हैं बिजनेस में नहीं और ये अगर तूने डेट ट्रैक किया हुआ ना मैं तो फिर देख ली लड़ाई हो जाएगी यहाँ पे अगर तूने डेट ट्रैक किया हुआ तो भाई रोटी के पीछे मैं लड़ने लड़ाने पे आ जाता हूँ हाँ डेट ट्रैक नहीं कर मतलब अच्छी पर्सनैलिटी के पीछे यार जवाब साहब आप खुश हो लो नहीं या तो फिर अगर पूछ लिया जाए कि अगर राइटर भी थे तो कुछ लिखा तो होगा तो वो मशहूर था या नहीं था वहाँ से भी अंदाजा हो जाएगा इनकी कोई बहुत फेमस तसनीफ थी जी फेमस किताब फिर तुम लिटरेचर पे आ रहे हो नहीं यार 19 में जब पढ़ेंगे फोर्सेस से ताल्लुक था नहीं बस अब आखिरी पे हमने नाम बताना होता है ताल्लुक बिग बिजनेस से था ताल्लुक बिजनेस से था नाम बताना है आखिरी ओवर वो भी नाम बताओ नाम हमारे पास कुछ भी नहीं कंसीड कर गए हैं हम कंसीड कर तुम्हारी ये पहली हार है अपनी पहली हार नहीं इसने तो बड़ी दफा हारा तुम्हारी यार तुम लोग कहोगे कि यार ये क्या था इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक ऐसा बंदा पैदा होगा जिसका लिटरेचर से भी ताल्लुक होगा जिसका एजुकेशन से भी ताल्लुक होगा इंशाल्लाह आने वाले दौर में माजरत कोई बंदा ही नहीं था सॉरी ब्रो
बहुत देख ली भाई, देख बहुत देख ली, उठो मुझे लग रहा था कोई तू पीटी कर के मैंने रोटी नहीं खानी। अच्छा बस बस तुझे मेरा मतलब पता है जवान भाई, जवान भाई ये नहीं, ईंट लेके आए ईंट कई तुम्हारे बंदे ने, रोटी तो तुम वैसे ही हार गए और तुम्हें पड़ गई है, मुझे क्वेश्चन मार के गया एक आगे। शुक्र कर क्वेश्चन मेरे पास बाबू बूम होता मैंने वो मार देना थे तेरी। मैं परेशान फिर रहा हूँ, मेरे पास सवाल नहीं आ रहा। बंदा बंदा गैस कराना था, इंशाल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान को बड़े लोग देगा, एजुकेशन से भी ताल्लुक होगा, लिटरेचर से भी ताल्लुक। तुझे भी बेटे किसी ने ट्रक के यार मोजिस का दिन हजरात मारी मैंने चवल है, लेकिन बहुत माजरत, मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि यार एक कसौटी ऐसी होनी चाहिए कि बंदा ही कोई ना हो, सामने वाले जलील हो जाए। दूध घंटा हो गया, मैं मुझे कम्प्लेक्स हो रहा था कि मुझे सवाल ही नहीं आ रहा। आप लोगों का क्या राय या ओपिनियन सर इस बारे? आप कैमरे बंद करें और फिर देखें यहाँ पे आपके साथ बनती क्या है। ये क्वेश्चन की जगह कुछ और भी हो सकता है यार, जरूरी तो नहीं है कि हमेशा कसौटी बहुत सीरियस ही हो, थोड़ी सी कभी ना कभी खा चाह लेनी चाहिए। खैर बाकी यार कोई बंदा नहीं था, लेकिन इंशाल्लाह होगा ये बंदा कभी आगे। एक सवाल का सिर्फ मैंने तुम्हें जवाब गलत दिया है, वो है ये 2000 के बाद डेथ हुई है। देखो यार वो पाकिस्तान में होगा, नॉट अलाइव, मैंने डेड नहीं कहा, नॉट अलाइव, इंशाल्लाह होगा ना लाइफ कल को। जवाब साहब शर्मिंदगी में कैट इतनी ज्यादा बातियां नहीं हो ये थी कि एक बंदा जिसका मेरे और हसन की फील्ड से ताल्लुक हो और हम उस तक पहुंच रहे हैं, मैं तो शर्मिंदगी के मारे मर जाना था मैंने अगर बंदा ना होता तो। ओके वैसे जो अपने साथ होगी ना आपको मर जाती है। ओके यार इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, किसी भी गरीब भाइयों को दुआ में याद रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है, कभी कभी शुगल मिजाक होते रहना चाहिए। अल्लाह हाफिज़। खुदा ये तूने क्या किया वैसे हमारे साथ।